बलौदाबाजार जिले के भिलाईगढ़ विधानसभा में हुए बीजेपी नेता की हत्या की गुत्थी 4 साल बाद भी नहीं सुलझी है। परिजन 4 साल से इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। दरअसल मालती बंजारी की हत्या 6 नवंबर 2015 को अज्ञात लोगों ने की थी और उनके शव को स्कूल के प्रांगण में संदिग्ध अवस्था में फेंक दिया था, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन उन हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रहा है। हमार बेटी ला वोला इंसाफ मिले कहा था। मोर बेटी है हमन मोर काकन के हैं और मोर बेटी शादी करके मैं नवा पारा जुनवानी दे रहे हैं। वहाँ नवा पारा जुनवानी में रही से बढ़िया जाके वह न भाजपा के कार्यकर्ता रही से तो वह टिकट भी पा रही सब है बा जिला सदस्य बा तब जिला सदस्य चुनाव 2015 में हुई से आ 2015 के दिसंबर नवंबर में 6 नवंबर के मोर बेटी ले मार दिए गई मार के वाला स्कूल के है मत फेंक दिनों का। मालती बंजारी की हत्या के बाद भिलाईगढ़ के थाना प्रभारी रहे एस शिंडी ने जांच के दौरान कई सबूत भी हाथ लगे थे, जिसमें मृतका के हाथ में एक कागज में कुछ लिखा हुआ था जो एक जांच का विषय का अहम सुराग था। सुराग होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन 4 सालों में इस मर्डर मिस्ट्री को नहीं सुलझा सकी है। ऐसे में अब कांग्रेस की सरकार बनते ही मृतका के परिजन एक बार फिर न्याय की गुहार लेकर विधायक चंद्रदेव राय को एक लिखित शिकायत की है। वहीं विधायक चंद्रदेव राय ने मालती बंजारे हत्याकांड को चर्चित कांड करार देते हुए बीजेपी सरकार के उस समय के सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं के हाथ रंगे होने की आशंका जाहिर की है। हालांकि विधायक राय ने मृतका के माता पिता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिलकर उच्च स्तरीय जांच कराने की भी बात कहकर आश्वस्त किया है। बेटा इस क्षेत्र से विधायक बनने के बाद पहली बार सतनामी समाज की बेटी मालती भाई बंजारे हत्याकांड चर्चित हत्याकांड के मामले की जांच के लिए हमने उच्च अधिकारी को निर्देश दिया है। एसपी साहब से हमने आग्रह किया है कि इस पर जांच किया जाए। 2015 की घटना है, बहुत चर्चित घटना है। एक अनुसूचित जाति गरीब महिला के साथ जिस प्रकार से घटना। हालांकि परिजनों की शिकायत के बाद परिजनों को न्याय की उम्मीद जगी है, लेकिन न्याय मिलेगा या नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी के सत्ता में रहते जब सरकार अपने ही नेता के हत्यारों को नहीं पकड़ पाई तो मालती बंजारे के हत्यारों को कांग्रेस की सरकार सलाखों के पीछे भेज पाएगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। राजू निराला, टोटल न्यूज, बलौदाबाजार।